वेलकम फ्रेंड, रिलैक्स स्टडी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है एयरफोर्स का 24 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। जैसे रिव्यू शेयर किए हैं, बता रहे हैं पेपर ईजी था, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। अगर आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अदर स्टूडेंट को इससे हेल्प मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कल मैंने एक एंगल का बताया था क्लॉक से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आज फिर आ गया। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, आप आज अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा है तो आप ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के आए, तो जितने भी पहले के रिव्यू है वो ज़रूर देख के जाइए, और दोस्तों जिससे कि आपको समझ में आएगा और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपको क्या है, नेक्स्ट अपडेट भी मिलते रहेंगे, प्लस मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी वीडियो छोड़ो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि फर्स्ट टाइम पंचायती राज इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट। सबसे आज के जो 24 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज सबसे पहले किसने इम्प्लीमेंट किया था। तो दोस्तों ये था राजस्थान। अब आपको ये बताना है दोस्तों, कब किया गया था, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट था वो एस्टेब्लिश INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ये थे AO Hume, ये ब्रिटिशर जो सिविल ऑफिसर थे वो रिटायर थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब आपको ये बताना है उस टाइम दोस्तों वाइसराय कौन था इंडिया का, ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट था इंडियन नेवी 4th स्कॉर्पियन सबमरीन कौन सी थी, जो अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की थी, तो वो थी दोस्तों INS वेला। और ये कब लॉन्च की थी ये आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ तो और अच्छी बात है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, विच सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग ऑफ PC पर्सनल कंप्यूटर। तो दोस्तों ये है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, विंडो 10, Linux, या जो एप्पल में है मैकबुक, जो मैक प्रो है वो, ठीक है दोस्तों इसी तरह से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट ऑफ 5:10 PM, ये आपका टाइम दे दिया उन्होंने, इनके बीच में बताना है कि आपका जो ये एंगल है 5:10 इस तरह से आ जाएगा कुछ घड़ी में, तो इसके बीच में ये एंगल कितना है। तो दोस्तों ये बताना है आपको। मैंने एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, अगर याद हो तो कल वाले वीडियो में बताया, इसलिए बोलता हूँ दोस्तों वीडियो देखते रहिए, जिससे कि ये आपका रिविज़न भी होता रहेगा, प्लस आपको आइडिया भी रहेगा कि किस तरह से, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी मैंने। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक क्या था। 60 × क्या थी, मिनट थी, मिनट यहाँ पे कितना है, सॉरी 60 × आवर था, आवर कितने 5, माइनस मिनट कितना था दोस्तों, मिनट का था 11 × मिनट था, मिनट कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 300 माइनस ये कितना हो गया 110 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना रहेगा दोस्तों 190, ठीक है दोस्तों 190 डिवाइडेड बाई 2। अब देख लीजिए दोस्तों आपका कितना बन रहा है, इसमें इसका बन रहा है दोस्तों आपका 95 डिग्री बन रहा है इसका एंगल, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आंसर इसका आएगा, इसका 95 डिग्री आएगा दोस्तों, 95 डिग्री 5 और 10 के बीच में। इसमें पूछा था कि आवर और मिनट की जो सुई आपकी उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो वो इस तरह से निकालेंगे। इसका फॉर्मूला दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 60 × आवर्स माइनस 11 × मिनट डिवाइडेड बाई 2, ये एंगल का फॉर्मूला है किसके बीच में, मिनट और आवर की जो आपकी सुई होती है उसके बीच में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कंट्री इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट रूल अगेंस्ट फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट रूल किसने इम्प्लीमेंट किया। तो दोस्तों ये किया था, अभी रिसेंटली किया था सिंगापुर ने 8 मई 2019 को, ये इन्होंने एक लॉ पास किया था स्ट्रिक्ट जो रूल्स है फेक न्यूज़ के अगेंस्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको अपडेट भी मिलेगा, प्लस आपको इसका PDF फाइल भी मिलेगा, और बाकी PDF फाइल है EDMs की, और जो भी रिव्यूज़ है या जो भी मैं GK की ट्रिक्स है, तो दोस्तों ये पढ़ते रहिए बीच बीच में, तो इससे क्या आपका 100 ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ, इससे आपका और ईजी रहेगा। और इसमें क्वेश्चन भी आए थे ईस्ट टू वेस्ट फ्लो रिवर का, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था और बहुत अच्छा था वो, और उससे एक क्वेश्चन भी आ चुका है, तो मैं चाहूँगा दोस्तों आप ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट आपका रागा का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है दोस्तों, समझ नहीं है जस्ट आपको देखते ही। मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में अपना पोज करके वीडियो को एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए, अपना क्या आंसर आ रहा है, तो इससे क्या होता है दोस्तों आपको पता चले। तो इसमें क्या है दोस्तों, 6 13 28 59, ये इसका आंसर। तो इसमें से नेक्स्ट इसका यहाँ पे जो क्या आएगा वो हमें बताना है, ये सीरीज़ है, तो सीरीज़ में इसमें क्या है दोस्तों, इसमें बता देता हूँ 6, आगे नेक्स्ट वाला क्या है 6 × 2 + 1, तो ये कितना हो गया दोस्तों 13, यानी ये वाला आ गया। अब दोस्तों 13 × 2 + 2 कितना हो गया दोस्तों, ये 26 + 2 = 28 आ गया, यानी 28 आ गया, नेक्स्ट वाला आ गया। अब नेक्स्ट क्या हो गया दोस्तों, 28 × 3
सॉरी 28 × 2 +3, यानी जो लास्ट वाला है वो प्लस में होता जा रहा है एक एक, ठीक है दोस्तों। और ये मल्टीप्लाई बाई 2 है, जो ये नंबर है उसको मल्टीप्लाई 2 करके लास्ट वाले में एक प्लस कर देना है जो रिसेंट में ऐड किया, तो ये कितना हो गया 59। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, 59 × 2 +4, आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 122, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका नेक्स्ट जो है 122 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्नट इंजन की एफिशिएंसी, आपको फॉर्मूला बता देता हूँ दोस्तों, TH - TC / TH। अब आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है, आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया है, मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अफ्सपा का फुल फॉर्म क्या है, तो अफ्सपा क्या है दोस्तों, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है या फिर जेएंड के जो है उनके अंदर अफ्सपा लागू किया गया था, इसमें क्या है स्पेशल जो है पावर दी गई थी आर्मी को, ये कब लागू किया है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, कन्फाइन का एंटोनियस पूछा गया, कन्फाइन एक तरह से क्या होता है इम्प्रिजनमेंट, जेल, ठीक है दोस्तों, इसका एंटोनियस पूछा था, एंटोनियस हो गया दोस्तों फ्री एंड रिलीज, छोड़ देना। मिसलेनियस का करेक्ट स्पेल्ट आया था दोस्तों, मिसलेनियस इसमें मैंने ये गलत लिखा है ताकि आपको भी ये आइडिया रहे, इस तरह से मैंने लिखा है, इसका राइट जो स्पेल्ट वर्ड है ये नीचे वाला है, ठीक है दोस्तों। एब्रप्ट आया था, कुछ लोग बोले सर सिनोनियस आया था, कुछ बोले थे एंटोनियस आया था, तो मैं दोनों ही बता देता हूँ। एब्रप्ट मतलब होता है दोस्तों कि लगातार नहीं होना, बीच में कुछ ब्रेक होना एक तरह से, ठीक है दोस्तों, सॉरी एब्रप्ट मतलब सडन या कुछ भी एक तरह से अचानक से कुछ हो जाना, तो इसका दोस्तों हो जाएगा, या फिर ब्रेकिंग कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसका क्या सडन, सडन भी हो गया इमीडिएट भी हो गया। इसका एंटोनियस दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली और अनहरिड, मतलब नॉर्मल वे में काम करना। नेक्स्ट आएगा दोस्तों इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप वैसे मैंने ये फिगर डाला है यहाँ पे, इससे आप इजी से समझ सकते हो, ये आपको बहुत काम आएगा, इसमें पावर वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस सबका बताया हुआ है शॉर्ट ट्रिक के अंदर, तो इसमें मैं बताता हूँ दोस्तों, ये आर का हमें देखना है, इस ओनली इस वाले पार्ट को हमें अभी देखना है, तो आर इक्वल टू दोस्तों हमने क्या लिया है वी अपॉन आई ले लेते हैं, क्योंकि हमें डायमेंशन ज्ञात करनी है आर की, इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस है, तो वी अपॉन आई ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी वी का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, वी इक्वल टू क्या होता है डब्लू अपॉन क्यू, ठीक है, डब्लू क्या हो गया वर्क, वर्क क्या होता है एफ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और क्यू क्या हो गया आपका, जो क्यू नॉर्मल क्या हो गया दोस्तों, आपका कूलाम हो गया, ठीक है, इसका जो है आई इंटू एम्पियर इंटू टी टाइम, ठीक है दोस्तों, ये हो गया गुलाम। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसका क्या होता है, अब फोर्स का हम निकालेंगे, फोर्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स की जो आपकी वैल्यू है वो होगी, जो डायमेंशन क्या हो जाएगी दोस्तों, एम वन फोर्स की हो जाएगी एम वन एल टी माइनस टू, और इसका क्या एल से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, अब इसमें डिवाइडेड कितना है, किससे आई से, ठीक है दोस्तों। अभी हम सिर्फ वी का निकाल लें एक बार, फिर आई से हम वापस ओ डिवाइड आई इंटू टी, ठीक है दोस्तों। अभी इसका ये करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, M1 L2 T - 3 I - 1, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब ये आ गया, क्या आ गया दोस्तों, M1 L2 T - 3 I - 1, ये आ गया, ठीक है। अभी हमें इसको I से डिवाइड करना है, क्योंकि ये ऊपर वाला तो V का था, अभी हमें I से और इसका डिवाइड करना है, तभी R इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आया, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, M1 L2 T - 3 I - 2, ठीक है दोस्तों, ये इसका डायमेंशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी नेक्स्ट है दोस्तों, वंस इन ए ब्लू मून ईडियम आया था दोस्तों, वंस इन ए ब्लू मून मतलब ईद का चांद होना, यानी रेयरली, ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन में क्या था वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब दोस्तों नेक्स्ट था इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वेयर x, ठीक है दोस्तों, ये इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वेयर x का था, तो बहुत ईजी है दोस्तों, चलो देख लेते हैं, लास्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे करते हैं दोस्तों। 10 स्क्वेयर x को हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको आगे डिवाइड कर लेंगे, किस में दोस्तों, आगे हम कर लेंगे sec² x - 1, ठीक है दोस्तों, sec² x - 1, ये हो गया दोस्तों इसका आगे डिवाइड। अभी इसका हम इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रल इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, इससे कर देंगे, फिर इसका इससे कर देंगे dx, इसको भी dx, तो sec² x का दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको पता है sec² x का आपका हो जाएगा 10x, ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा 10x, ठीक है इंटीग्रल। और इसका दोस्तों
वन का क्या हो जाएगा, वन माइनस हो गया, और वन का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स, और प्लस सी क्या हो जाता है दोस्तों, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। क्या है, टेन स्क्वेयर एक्स का हमने क्या निकाला है, इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। टेन स्क्वेयर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। अब आपके ऑप्शन में क्या था वो कमेंट सेक्शन में बताए। अभी नेक्स्ट है दोस्तों, वेन डायग्राम से रिलेटेड था, मदर फीमेल एंड डॉक्टर, इसका डायग्राम था। तो दोस्तों आपको पता है मदर है वो फीमेल होगी, यानी ये होगी आपकी मदर, और ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये हो गया आपका फीमेल, ठीक है। तो फीमेल में गर्ल भी हो सकती है, बाकी भी हो सकते हैं, बट मदर है वो फीमेल में रहेगी। ये आपका मदर का कुछ इस तरह से डायग्राम आएगा, ठीक है, ये मदर हो गया। अब आपको पता है दोस्तों मदर है वो फीमेल रहेगी, बट डॉक्टर क्या है, डॉक्टर तो मेल भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, तो ये तो है नहीं इसमें आएगा। अब डॉक्टर जो है फीमेल भी हो सकता है और मदर भी हो सकती है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डॉक्टर, यानी मदर भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, दोनों आ गई, यानी फी मदर है तो फीमेल तो होनी होनी है, बट क्या है दोस्तों, मेल भी। तो ये इस तरह का डायग्राम इसका बन जाएगा, यानी ये दो इसमें रहेंगे और ये इनसे कोइंसिडेंस कर जाएगा, इस तरह से बनेगा इसका वेन डायग्राम। बाकी आप कमेंट सेक्शन में, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर था दोस्त, कोस कुछ बोल रहे थे, कोस स्क्वेयर एक्स था, कुछ बोल रहे कोस एक्स स्क्वेयर, तो दोस्तों कोस एक्स स्क्वेयर था। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कोस एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन क्या है, बोल दीजिए कोस एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सिंपल सा है फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जाके देखते हैं। इसमें है जैसे कि कोस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को हम क्या मान लेंगे दोस्तों, यू मान लेंगे एक्स स्क्वेयर को, तो ये क्या हो गया कोस एक्स, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसका चेन रूल के थ्रू करना है, चेन रूल से कैसे करेंगे दोस्तों, पहले कोस 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 यू का करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस साइन यू आ जाएगा, यानी माइनस साइन यू आ जाएगा इसका जब हम करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। अभी हमें क्या करना है, साइन यू आ गया, फिर हमें क्या करना है दोस्तों, यू यू का भी करना है, तो उसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, उसमें आ जाएगा टू एक्स, यानी यू आ जाएगा टू एक्स। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सिंपल सही है, क्योंकि आपका यू को भी करोगे ना, डी ओ वाई डी, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, सीधा टू एक्स आ जाएगा, यू का जब करोगे यानी एक्स स्क्वेयर का जब करोगे तो टू एक्स आ जाएगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका टू एक्स साइन एक्स, ठीक है दोस्तों, आपका आंसर है टू एक्स साइन एक्स, यानी माइनस के अंदर, क्योंकि कोस का करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों देखते हैं इसमें, एस यू समिट 2019 हेल्ड इन विच सिटी, ये क्वेश्चन था। तो ये था दोस्तों बिश्केक और किर्गिस्तान में था ये, ठीक है दोस्तों। ये अभी रिसेंट ही हुआ था जून के अंदर इसका मीटिंग, तो एस यू संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको इसको बताना है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आज के 24th जो आपका सितंबर का जो एग्जाम था एयरफोर्स का फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। और दोस्तों अगर कोई भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।